गुड मॉर्निंग डियर एट फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी विषय में, इसका नाम है पत्र लेखन और दूसरा टॉपिक है जीवनी और आत्मकथा। तो हम शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से। तो छात्रों, जैसा हम जानते हैं, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो कि अत्यंत प्राचीन समय से और वर्तमान में भी अपना संदेश पहुँचाने हेतु उपयोग में लाई जाती रही है। वर्तमान समय में टेलीफोन, फैक्स, मेल और भी बहुत सारे माध्यम आ गए हैं नई नई तकनीकियों के कारण अपना संदेश पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों के आने की वजह से जो पत्र रूपी माध्यम जो पुराने समय से प्रयोग हो रहा था, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। किंतु यदि देखा जाए तो यह अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। पत्र लेखन जो है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और इसका अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो, हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। मतलब जब हम लोग पत्र लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भाषा हम लोग प्रयोग में लाने जा रहे हैं वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें विस्तारपूर्वक वर्णन से बचना चाहिए। आयु और संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन के समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करें, उन शब्दों को लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके लिए हम पत्र को लिख रहे हैं वो हमसे आयु में बड़ा है, छोटा है, हमारे समकक्ष है, उससे हमारा संबंध क्या है। इन सब सारी बातों का हमें शब्दावली का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जो हमें पत्र में विचारों को लिखना है वो उचित क्रमबद्ध रूप में पत्र में लिखे हों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, पाठक को पत्र को पढ़ते ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पत्र को इस प्रकार से स्पष्ट ढंग से लिखा जाना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र को लिखते समय उसके जो सभी अंग, एक पत्र को लिखते समय जो जो अंग होते हैं, जो जो जिन जिन पार्ट्स के रूप में पत्र को लिखा जाता है, उन सभी चीज़ों का प्रयोग पत्र को लिखते समय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पत्र के प्रकार। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अनौपचारिक या निजी पत्र। अनौपचारिक या निजी पत्र जो होता है, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। जो हमारे निकट संबंधी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं और इसमें हम आपस में निजी बातों का ब्यौरा या वर्णन करते हैं। इसके बाद है औपचारिक पत्र। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। इनके कई रूप हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रूप जो दिया हुआ है, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाला पत्र, यानी कि कोई भी प्रार्थना पत्र जब हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम या तो उसमें आवेदन कर रहे होते हैं, या जैसे फॉर्मल रूप से हम प्रधानाचार्य के लिए अवकाश हेतु, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, इसे इंग्लिश में एप्लीकेशन भी बोला जाता है। इसके बाद है व्यावसायिक पत्र। ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इस प्रकार से व्यापारी, कंपनी में काम करने वाले लोग या दुकानदार या प्रकाशक लोग जिन पत्रों का इस्तेमाल एक दूसरे के बीच में करते हैं वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है कार्यालयी पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था अथवा विभाग को या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति को लिखे जाते हैं। इस प्रकार के ये जो कार्यालयी पत्र होते हैं, यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए या किसी अधिकारी हेतु अपने कर्मचारियों को, या इस प्रकार से जो बहुत सारे इसमें टाइप्स दे रखे हैं, संस्था, विभाग, इन सारे जगहों पर इसका प्रयोग करने के लिए कार्यालयी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है पत्र के अंग। पत्र के कौन कौन से अंग हैं? पत्र के आठ अंग हैं। सबसे पहले है पत्र प्रेषक, यानी कि पत्र को भेजने वाला, जिसके माध्यम से पत्र को भेजा जा रहा है।
वहाँ पर पत्र प्रेषक में पत्र को भेजने वाले का नाम, पता, स्थान व दिनांक लिखा रहता है। पत्र प्रापक यानी कि जिसे पत्र प्राप्त करना है उसका पदनाम व पता आदि लिखा रहता है। विषय को एक संक्षिप्त वाक्य में लिखना, जो विषय होता है पत्र लिखते समय विषय को एक संक्षिप्त वाक्य में, एक बहुत ही एक या डेढ़ या दो लाइन में बहुत संक्षिप्त रूप में वाक्य को लिखा जाता है, ताकि पत्र पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि जो पत्र के अंदर मूल रूप से जो बात लिखी गई है वो किन बिंदुओं के आधार पर लिखी गई है। संबोधन, अभिवादन या आशीर्वाद, इस प्रकार से हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसको हम किस प्रकार से संबोधन करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे। अभिवादन हमें किस प्रकार से करना है या हमें आशीर्वाद की भाषा का इस्तेमाल करना है, इस बात का पत्र को लिखते समय हम ध्यान में रखते हैं। पत्र की विषय वस्तु, पत्र की विषय वस्तु यानी पत्र का जो मूल भाग होता है वो पत्र की विषय वस्तु कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से अपनी बात को वहाँ पर रखा जाता है या लिखा जाता है। समाप्ति, पत्र को समाप्ति करने का एक तरीका जो होता है वो वहाँ पर समाप्ति की भाषा में पत्र को लिखा जाता है। हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली, जब हम पत्र को समाप्त करने से पहले वहाँ पर जब हम हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करने से पूर्व जिस भाषा का हमें इस्तेमाल करना है वो शब्दावली वहाँ पर मुख्य होती है, और अंत में पत्र में अपना हस्ताक्षर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 स्टेप्स के रूप में, इन 8 बिंदुओं के रूप में पत्र को लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, कक्षा अथवा विशेष भवन से पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन व नाम के स्थान पर काखागा लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का पत्र को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद है जीवनी और आत्मकथा। तो जीवनी जो है और आत्मकथा, ये दोनों गद्य शिक्षण के एक रूप हैं। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर हम ये स्पष्ट करते हैं। आत्मकथा जो है वो व्यक्ति अपने जीवन को अपने ही भाषा में स्वयं लिखता है, वो आत्मकथा का रूप होती है। और जीवनी जो होती है वो किसी व्यक्ति के जीवन की कथा को, जीवन के बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है वो जीवनी कहलाती है। और ये जीवनी और आत्मकथा ये दोनों जो है वो साहित्य की विधा के एक प्रकार होते हैं। तो आत्मकथा के द्वारा जब लेखक अपने जीवन का वर्णन करता है तो वो कुछ निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लिखता है। कौन कौन से उद्देश्य हैं, एक तो है आत्मनिर्माण या आत्म परीक्षण, और दूसरा है दुनिया और समाज के जटिल परिवेश में अपने आप को जानने समझने की इच्छा या स्वयं को प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से आत्मकथा जो है वो इन दो उद्देश्यों के आधार पर लिखी जाती है। आत्मकथा में जो लेखक होता है उसका ईमानदारी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आत्मकथा व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को या अपने गुणों को अधिक महत्व दे करके वहाँ प्रस्तुत करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो शायद वो छुपा भी सकता है, जो उसको वो नहीं चाहता है कि दुनिया के सामने, समाज के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहिए। जबकि जीवनी में ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। जीवनी में व्यक्ति के जीवन के हर परिप्रेक्ष्य को ईमानदारी के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता है। जो लेखक होता है वो जिसके भी बारे में जीवनी लिख रहा होता है वो उसके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को, हर चीज़ को पहले वो जानता समझता है, उस पर पूरे अपने ज्ञान को बढ़ाता है, पूरी नॉलेज गेन करता है। उसके बाद उसकी जो कुछ भी होता है, चाहे वो उसके गुण हों या उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसे शायद वो बताना नहीं चाह रहा था, जिसके बारे में वो जीवनी लिखी जा रही है, अगर उसको वो भी पता चल जाती है तो वो भी वो जिसके बारे में जीवनी लिखी जा रही है तो वहाँ पर लेखक उसको स्पष्ट करता है, लिखता है। तो इस प्रकार से जीवनी और आत्मकथा में ये अंतर मुख्य रूप से होता है। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं आत्मकथा के, जैसे राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित जो आत्मकथा है उसका नाम ही आत्मकथा है। राहुल संकृत्यायन द्वारा मेरी जीवन यात्रा, यशपाल सिंघावलोकन, बच्चन क्या भूलो क्या याद करो, ये कुछ प्रमुख जो है वो आत्मकथा के उदाहरण हैं। इसके बाद जीवनी, जैसे हम लोग सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद, या हम लोग आमतौर पर जो जीवनी पढ़ते हैं वो जीवनी के अंतर्गत आता है।
छात्रों, ये तीन टॉपिक जो है छोटे छोटे थे, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और अगले क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।